व्हीलिंग डायोड विद आर एल लोड, आर एल मतलब रेजिस्टर और इंडक्टर लोड, जो कि आउटपुट पे कनेक्टेड होते हैं, और इसमें फ्री व्हीलिंग डायोड देखेंगे कि वो क्या होता है। फ्री व्हीलिंग डायोड विद आर एल लोड में जो हमारा लोड होता है, आउटपुट होता है, उसके क्रॉस रेजिस्टर और इंडक्टर यानी आर एल कनेक्टेड होते हैं। इसके सर्किट में एक डायोड लगा होता है और ये एक स्विच है जो कि करंट को स्टॉप और पास करवाने का काम करता है। इनपुट जो कि सोर्स वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं डीसी की फॉर्म में, यहाँ पे हम इसमें जो इनपुट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आउटपुट वोल्टेज हमें लोड और रेजिस्टर, लोड यानी रेजिस्टर और इंडक्टर के अक्रॉस मिलती है, और डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो होती है वीडी, डायोड वोल्टेज। जब स्विच ऑफ होगा तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होती रहेगी, लेकिन जब स्विच ऑन होगा तो क्या होगा, डायोड के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, डायोड के अक्रॉस करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बीच में एक डायोड कनेक्टेड होता है जिसे कहते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। इसमें हमने फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज किया है। अभी इसका वर्क देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। ये जो सर्किट है ये टू मोड्स में वर्क करता है। जो पहला मोड है जिसमें कि स्विच ऑन कंडीशन में होता है, उसे मोड वो वन फर्स्ट मोड होता है जो कि स्टेडी स्टेट करंट बोलते हैं, जिसमें स्विच ऑन होता है फर्स्ट टाइम पे, जो फर्स्ट मोड है उसमें जब हमारा स्विच ऑन कंडीशन में होता है, या फिर ये कहें कि शॉर्ट होता है या क्लोज होता है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस टाइम पे हम सोर्स वोल्टेज जब प्रोवाइड करेंगे इनपुट से, तो यहाँ पॉइंट ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, पॉजिटिव से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, ये स्विच के क्रॉस करंट फ्लो होगा और डायोड के तरफ जाएगा। जब डायोड के क्रॉस करंट फ्लो होगा तो डायोड के क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, क्योंकि डायोड इस टाइम पे कंडक्टिंग कंडीशन में होगा और इसके क्रॉस सिर्फ करंट फ्लो होगा, और यहाँ पे डायोड कंडक्ट करेगा और करंट आउटपुट पे जाएगा लोड के क्रॉस। आई करंट हमारा लोड के क्रॉस जाता है, जो आर और एल के तरफ जाता है, आर और एल जो कि हमारे लोड पे कनेक्टेड है। इस टाइम पे जब हमारा स्विच ऑन कंडीशन में है तो लोड क्या करेगा, जो एनर्जी है उसे स्टोर करेगा। रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होती है वो वी आर होती है, और इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होती है वो वी एल होती है, और ये टोटल आउटपुट वोल्टेज होती है। और जब स्विच ऑन कंडीशन में होता है तो इंडक्टर करंट को क्या करता है, स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। उस टाइम पे जो करंट होगा वो ये जो ये करंट यहाँ पे फ्लो होगा वो इज इक्वल टू होगा Vs अपॉन R, यानी जो सोर्स वोल्टेज है और जो अपॉन में रेजिस्टर है, E एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस R अपॉन LT के। और जो एनर्जी स्टोर होगी इंडक्टर में वो होगी 1 अपॉन 2 L Vr अपॉन R ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, जो किसकी पावर है, ये एनर्जी स्टोर होगी इंडक्टर पे। इस टाइम पे अगर हम इसका ग्राफ देखें मोड वन के क्रॉस, जब हम सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो जो हमारा करंट है जीरो से स्लोली स्लोली इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, और ये करंट वी एस अपॉन आर, आई इज इक्वल टू वी एस अपॉन आर है, आई इज इक्वल टू वी एस अपॉन आर, तो ये जो वी एस अपॉन आर तक ये करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसके बाद ये स्टेबल हो जाएगा। ये मोड वन है जब जिसमें स्विच ऑन कंडीशन में है। अब हम देखते हैं मोड टू, मोड टू जिसमें हमारा स्विच ऑफ है या ओपन है, इस टाइम पे क्या होगा कि हमारे जो सोर्स से जो वोल्ट, अगर हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, डायोड के अक्रॉस भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज वो होगी ड्रॉप होगी वो होगी वी डी, डायोड वोल्टेज, जो कि रिवर्स में होगी। इस टाइम पे जब हमारा स्विच ऑन कंडीशन में था और करंट इस तरह से फ्लो हो रहा था, तो उस टाइम पे इंडक्टर क्या कर रहा था, एनर्जी को स्टोर कर रहा था। अब जब हमारा स्विच ऑफ कंडीशन में है, ये एनर्जी यूज में आएगी जो इंडक्टर ने स्टोर की थी। इस टाइम पे इंडक्टर से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा और ये करंट जाएगा फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस। इस टाइम पे आउटपुट करंट क्या होगा, कंप्लीटली जीरो नहीं होगा एकदम से, और यहाँ पे जो फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा फ्री व्हीलिंग डायोड करंट, और ये करंट फ्री व्हीलिंग डायोड से पास होके आर एल पे जाएगा। इस टाइम पे ये हमारा मोड टू होता है, और इस टाइम पे
जो हमारा करंट होता है, जो यहाँ तक पहले पहुंचा था जब स्विच ऑन कंडीशन में था, जो करंट धीरे धीरे डिक्रीज होना लग जाएगा और डिक्रीज होके जीरो तक आएगा। ये एकदम से डिक्रीज नहीं होता, धीरे धीरे डिक्रीज होता है। इंडक्टर अपनी एनर्जी को यूज करता है और ये करंट फ्री व्हीलिंग डायोड से क्रॉस करके रेजिस्टर के क्रॉस इस तरह से मूव करता है। ये होगा हमारा मोड टू। इसमें इस टाइम पे जो फ्री व्हीलिंग डायोड करंट होगा वो इज इक्वल टू होगा वी एस अपॉन आर इंटू ई माइनस आर अपॉन एल टी के। इस तरह से हमारे जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो वर्क करता है। जब हमारा सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता तो जो आउटपुट पे जो करंट स्टोर होता है किसी बैटरी में, इंडक्टर में, तो वो क्या करता है, वो करंट जीरो नहीं होता बल्कि फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस फ्लो करने लग जाता है। इसीलिए ही फ्री व्हीलिंग डायोड लगाए जाते हैं। और ये है हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड विद आर एल लोड। थैंक यू।